गुरुवर आप दयालु हैं, दयावान हैं। गुरुवर आप दयालु हैं, दयावान हैं। गुरुवर आप दयालु हैं, दयावान हैं। करते रहते सदा हम पर एहसान हैं। करते रहते सदा हम पर एहसान हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की अर्चना, स्वीकार कीजिए दास की अर्चना। चरणों में गुरुवर के करते हैं वंदना, चरणों में गुरुवर के करते हैं वंदना। स्वीकार कीजिए दास की अर्चना, स्वीकार कीजिए दास की अर्चना। दीपक जला दिया और भक्ति का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की अर्चना, स्वीकार कीजिए दास की अर्चना। इन्हें भेंट बिन जो मिले हो
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है, वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में है, नाथ तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। स्मरण पूज्य पद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर संसार को शांति का संदेश देने वाले राजिम कुंभ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में हजारों साधु संतों के आशीर्वाद से भगवान श्री राजीव लोचन के सानिध्य में कुलेश्वर महादेव के श्री चरणों में लोमस ऋषि आश्रम के समीप सोढ़ुर महानदी पैरी के संगम पर हमें आपको पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। ये कुंभ की धरती जिसको कल
परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वरूपानंद महाराज जी ने कुंभ मेला के रूप में प्रमाणित किया। उन्होंने कहा कि मैं प्रमाणित करता हूं कि ये भी कुंभ मेला ठीक है। एक जगत गुरु का बोलना बहुत माने रखता है। ऐसे समाज तो पहले से ही स्वीकार कर चुका था और ये प्रतिवर्ष कुंभ मेला होता है जहां पर साधु संतों की प्राथमिकता रहती है। विभिन्न मत संप्रदाय के संत त्रिवेणी संगम के तट पर कुंभ मेला के उपलक्ष्य में उपस्थित होते हैं। बहुत तरह की नाटक, बहुत तरह की कलाकार भी आते हैं। किसी के कैंप में कोई हंसता है हा 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 और सबको हंसाता है, डिस्टर्ब भी बहुत करता है। इसकी हंसी थोड़ा कम हो जाए तो अपनी हंसी शुरू हो जाए। बड़ी प्रसन्नता की बात है। जिस पवित्र भूमि पर आपका आगमन हुआ है, हमारा उद्देश्य मन वाणी कर्मों को पवित्र करना है। मनुष्य के पास में मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं। एक तो मनुष्य का शरीर है जिससे वह कर्म करता है, दूसरे उसके पास में वाणी है जिससे वो अपनी बात को बोलता है, और तीसरे मनुष्य के पास में मन है जिससे वो बहुत प्रकार से सोचता है। हमारे आपके बीच में काशी निर्वाणी अखाड़ा की पीठाधीश्वर महाराज पधार रहे हैं। आप ताली भी बजाएं और खड़े होकर उनका अभिवादन भी करें। राजगुरु स्वामी विशोकानंद भारती जी, स्थान बैठ जाएं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज का पदार्पण हो चुका है। दर्शन देने के लिए, आप सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए महाराज जी पधारे।
मैंने जब उनको माला पहनाया तो उन्होंने एक माला लेकर हमको पहनाने चले तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो बोले आज पहन लो मेरे हाथों से, और बहुत प्रेम दिया। बहुत महान हैं, सरल हैं, खुश मिजाज हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। गोविंद मठ टेढ़ी नीम काशी संन्यास आश्रम एलिस ब्रिज अहमदाबाद धनी नाथ गिरी मठ बीकानेर राजस्थान सोमेश्वर धाम हरिद्वार श्री यंत्र मंदिर कनखल हरिद्वार उसके आप पीठाधीश हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत, और जिम्मेदारी आप जैसे महान पुरुषों को लेना भी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने योग्य भी सभी नहीं होते हैं। जिम्मेदारी उन्हीं को मिलना चाहिए जो जिम्मेदारी को ठीक से निभा सकें। कुछ ऐसे लोग होते उनको जिम्मेदारी दे दो तो जिम्मेदारी और जिम्मेदार दोनों खत्म हो जाते हैं ना जिम्मेदार बचेगा ना जिम्मेदारी बचेगी, देने वाला दोनों ढूंढेगा कि मठ कहाँ गया और वो सठ कहाँ गया तो योग्य आदमी संसार में बहुत कम है, इसलिए एक एक व्यक्ति को चार चार दस दस मठों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महाराज जी को, और मैं प्रणाम भी करता हूँ, उनको शुभकामना भी करता हूँ, साथ साथ में उनका आशीर्वाद सबके लिए भी मांगता हूँ। जोर से ताली बजाओ। कमजोर ताली में कमजोर आशीर्वाद मिलेगा, ताली में होगा जोर तो आशीर्वाद भी जोरदार मिलेगा। मैं अपने संत यशकर जी से कहूंगा कि महाराज जी को 2100 रुपये भेंट करके उनका सम्मान करें, और हमारे परम भक्त त्रिलोक जी परपोड़ा निवासी त्रिलोक सिंह राजपूत वे आकर महाराज जी को 501 रुपये भेंट करके आशीर्वाद लें। एक भक्त और एक संत दो ही आशीर्वाद लेंगे, सबकी तरफ से मान लिया जाएगा। ताली बजाइए। कोई और संत हमारा हो तो वही दक्षिणा दे। यशकर दास कहाँ है, पुष्कर दास दे दे, हितकर दास दे दे, रामदास दे दे, हाँ तुम दे दो। ये हमारे परम भक्त हैं ठाकुर त्रिलोक सिंह राजपूत। खींचो फोटो, चरण छुओ बेटा, और फोटो ले दे। आओ आओ, हाँ तुम आ जाओ। जिस साधु के पास रुपया है वो दौड़ कर आया है। शतकर दास, सब साधुओं के पास रुपया रहता, खाली हमारे पास नहीं रहता लेकिन हाँ पहन लो पहन लो पहन लो, तुम ही ऐसे पीठाधीश्वर हो जाओ बिल्कुल इनको भी महाराज जी चार मठ इनको भी दिलाओ। महाराज जी के साथ में जो आए उनको भी 101 रुपए भेंट करके सम्मान कीजिए। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाई छे, संतो न संग माहो जीवन
जाय छे धन्य बनी जाय छे धन्य बनी जाय छे धन्य बनी जाय छे धन्य बनी जाय छे संतो न संग मा हो जीवन धन्य बनी जाय छे संतो न संग मा हो जीवन धन्य बनी जाय छे राम जी न संग मा हो हनुमान देव बनी जाय छे राम जी न संग मा हो हनुमान देव बनी जाय छे देव बनी जाय छे जगत मा पूजाय छे देव बनी जाय छे जगत मा पूजाय छे संतो न संग मा हो जीवन धन्य बनी जाय छे संतो न संग मा हो जीवन धन्य बनी जाय छे संतो न संग मा हो जीवन धन्य बनी जाय छे संतो न संग मा हो जीवन धन्य बनी जाय छे बोलिए सद्गुरु भगवान की आज मैं आपके बीच में तीन प्रश्न रखूंगा। पहला प्रश्न श्रीमद् भगवत गीता से हो। जिस समय अर्जुन का मन विक्षुब्ध हो जाता है, मन अशांत होता है, भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, इस मन को शांति कैसे मिलेगी? ये मन बड़ा चंचल है, इसको जहां लगाओ वहां लगता नहीं है और जहां से हटाओ वहां से हटता नहीं है। जो नहीं सोचना चाहिए उसे सोचता ही रहता है और जिसे याद करना चाहिए उसे भुलाता रहता है, जिसे भूल जाना चाहिए उसको याद रखता है, नेगेटिव पॉइंटों का स्मरण करता है, पॉजिटिव विचारों को भूल जाता है। इस मन की दशा बड़ी खराब है। हे कृष्ण, मेरे व्यथित मन को शांति प्रदान करने के लिए वह उपाय बताइए जिससे कि मन को शांति मिले, सुख मिले। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। शक्नोति है या सोढ़ों प्राप्त शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सहयुक्ता सा सुखी नर। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत् दुःखः। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरीड अधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान्न पुमांश्चरत निस्प्रह निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। यम ही न व्यथन्ति एतैहि पुरुषम पुरुषर्षभम समदुःख सुखम धीरम सह अमृत्वाय कल्पते। ये जितने श्लोक मैं बोला हूँ सब श्रीमद् भगवत गीता से हैं और सब में शांति की ही बात है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियैः शरण आत्मवशैर् विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि पर तिष्ठते। इसका भाव थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दूसरा प्रश्न करता हूं। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछते हैं, कल मैं विदुर और धृतराष्ट्र की ही बात बताया था, आज उनकी दूसरी बात है कि संसार में वे कौन से लोग हैं जिनकी उन्नति जिनका विकास निरंतर होता रहता है,
आबाद रूप से आगे बढ़ते, उनमें क्या लक्षण होते। विदुर जी कहते हैं राजन उनमें छह बातें होती है, उद्योगम संयमो दाक्षम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भवस्यतु। ये छह बातें जिस मनुष्य में होती है उसका विकास कभी रुकता नहीं। कभी कभी आप देखते हैं कि आदमी अचानक उठता है और फिर रुक जाता है। कभी कभी ये भी देखते हैं आदमी लगता है कुछ करेगा कुछ करेगा और एकदम डाउन होकर जीरो पर चला जाता है। उसके पीछे यही रीजन है। आज उन सब पर्दों को खोलने जा रहा हूँ। उद्योगम संयमो दाक्षम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भवस्यतु। एक तीसरा प्रश्न और आपके बीच में कर देता हूँ, उसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रवचन का शुभारंभ हो जाए। आपको ऐसा लगता होगा कि देर बहुत हो गई, महाराज जी देर में आए। देर कोई है ही नहीं। देर है तो सिर्फ इस बात की है कि तुम सोचो मत कि देर हुई। जब हम देर में आ गए हैं तो देर तक सुनाएंगे, और तुम जब पहले से आ गए हो तो देर तक बैठे रहोगे। क्योंकि मैं धमतरी के पास में चिटौत गांव में 10 बजे से 1 बजे तक वहां प्रवचन कर रहा था। वे लोगों ने जिद किया तो 1:30 बजे मुझको छोड़ा और 2 बजे मैं वहां से विदा हुआ, इसलिए आने में देर हो गई। वहां 6,000 लोग सत्संग सुनने के लिए उमड़े थे, बहुत भीड़ थी। कल मैं उनको छोड़कर चला आया था 12:30 बजे। तो कल की शिकायत आज कर रहे थे, बोले आज जाने नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। ये राजिम कुंभ में मुझे 12 तारीख तक रहना है। इस बार सबसे लंबा समय मेरा यहाँ लगा हुआ है, और मेरा इस वर्ष जो व्यासगति है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इधर त्रिवेणी संगम का भी दर्शन होता है। निर्मल जल की लहरें दिख रही हैं, सामने सेतु बंद पर आते जाते भक्तगण भी दिखाई दे रहे हैं, और व्यास गादी भी ऐसी बनी है कि इस पर 200 संत आ जाए तो भी बैठ सकते हैं। इस बार राजीव लोचन कमेटी ने बाजी मार दी है, हम हार गए वो जीत गए। और इस व्यास गादी पर राजगुरु स्वामी विश्वकानंद भारती जी विराजमान है, इसलिए इस व्यासगादी की शोभा में 4 चांद लग गए। साइडों में कुर्सियां भी हैं, जिसके घुटने कमजोर हों कमर में दर्द हो कुर्सियों पर बैठ जाए, व्यवस्था अच्छी। और जिसके घुटने में दर्द ना हो कमर में दर्द ना हो वो भी बैठ जाए तो उसको कल से दर्द शुरू हो जाएगी। इसलिए अभी सोच लो, अगर दर्द नहीं है तो नीचे आ जाओ फटाफट, नहीं दर्द हो सकता है। आगे जो कुर्सियों पर बैठे हैं इनको क्या होगा, इनको और बड़ी कुर्सी मिले ऐसा व्यासगादी आशीर्वाद दे रही है। परदेशी जी बहुत खुश हुए हैं कि यही मैं चाहती हूँ। सबका विकास हो, सबका उत्थान हो। तीसरा प्रश्न, संत कबीर का नाम आपने सुना होगा, जो कि भारत देश में नहीं विदेशों में भी उनका बहुत प्रचार हो चुका है। और संत कबीर का अपना कोई पंथ नहीं था, कबीर के मानने वालों को लोगों ने कबीर पंथी कह दिया है, बाकी कबीर पंथ की दीवालों से पार हो चुके थे। कबीर से किसी ने प्रश्न पूछा है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, कि मनुष्य परिवार में रहता है, समाज में रहता है, पार्टी में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, तो उसको अपने बारे में क्या सोचना चाहिए और दूसरे के बारे में दृष्टि कैसी रखनी चाहिए।
जिससे कि उसको शांति मिले। तो कबीर कहते हैं, दूसरों की अच्छाइयाँ देखोगे तो मन प्रसन्नता से भर जाएगा, जब दूसरों के गुण देखोगे तो मन प्रेम से भर जाएगा, और दूसरों की तुमको बुराइयाँ दिखाई देंगी, मन खिन्नता से भर जाएगा, और दूसरों के अवगुण ही अवगुण देखोगे तो तुम्हारा मन क्रोध से भर जाएगा। इसलिए दूसरों की अच्छाइयों पर भी नजर रखा करो। सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। ऐसे आदमी के हजार पहलू होते हैं, ये चित्त भी और पट भी, और इसके झटपट, खटपट, रटपट, चटपट, इसके न जाने कितने पहलू हैं। किसी मनुष्य को थोड़ी देर मिल करके, कुछ बातें सुन करके, थोड़ा सा उसको देख करके तुम उसकी परिभाषा नहीं कर सकते। यदि तुम डिसीजन ले लोगे, बिड़ला जी के यहाँ 6 संत कुछ मांगने के लिए गए। संत मांगने में भी होशियार होता है और मांगना भी एक कला होता है। भिखारी मांगता है अपनी भूख के लिए, और संत मांगता है धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए संत को भी देना चाहिए और भिखारी को भी थोड़ा दे देना चाहिए। भिखारी बड़ा मज़ेदार होता है। भिखारी मांगने आता है, तुम जब नहीं देते हो और तुम कहते हो चलो चलो आगे बढ़ो, तो भिखारी मुस्कराता हुआ आगे बढ़ता है। किसी ने भिखारी से पूछा, कुछ मिला भी नहीं, और लोगों ने कहा चलो चलो आगे बढ़ो, हट्टे कट्टे बने हो, काम नहीं करते हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती, इतना फटकार भी लगी और भीख नहीं मिली, और फिर भी तुम मुस्कराते हुए और डांटने वाले को मुड़ मुड़ कर देख देख कर मुस्कराते हुए आगे बढ़ गए, बात क्या है? बोले, मैं इसलिए मुस्कराता हुआ आगे बढ़ा हूँ कि जैसा ये आदमी है ऐसा मैं भी कभी इसी ढंग का था, और मैं भी लोगों से कहा करता था चलो चलो आगे बढ़ो, हट्टे कट्टे बने हो, तो मैं मुस्कराया इसलिए कि मैंने भी जिंदगी में किसी को एक टुकड़ा भीख नहीं दिया था, और तू भी नहीं दे रहा है। थोड़े दिन के बाद अगले जन्म में मेरा साथी बनेगा, तू भी कटोरा लेकर भीख मांगेगा, इसलिए उसकी तरफ मुड़ मुड़ के मुस्करा रहा। भिखारी भीख तो मांगता है, लेकिन भीख मांगने के साथ साथ सीख भी बांटता है। दाता बनकर के जियो। भिखारी सिखाता है कि हमने जिंदगी में किसी को दिया नहीं पिछले जन्मों में, तो आज मैं भिखारी हो गया, लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना, तुम दाता बनकर के जीना, ताकि भीख मांगना न पड़े, बल्कि दोनों हाथ दूसरों को देने के लिए आगे बढ़ने चाहिए, लेने के लिए नहीं बढ़ने चाहिए, ऐसा भिखारी बोलता है। साधु संत जब धर्म की रक्षा के लिए समाज से सेवा की भीख मांगता है, कभी साधु संत कहते हैं आइए और श्रम कीजिए, श्रम दान करो। मंदिर बन रहा है, गुरुद्वारा बन रहा है, आश्रम बन रहा है, इसमें श्रमदान कीजिए। आज का आलसी समाज श्रमदान करने से तो बहुत दूर हो चुका है। काम ना करना लोग बड़प्पन मानते हैं, और काम जो करे उसको छोटा मानते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। और काम ना करने से आपके शरीर में हजारों बीमारियों का जन्म होता है। काम करने से पसीना के माध्यम से बीमारियां निकल कर बह जाती हैं, इसलिए इंसान को काम करना चाहिए। जितना ज़्यादा आराम करोगे शरीर में मीठा मीठा दर्द पैदा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा काम करोगे तुम्हारी बीमारी निकलती चली जाएगी, एक नए स्वास्थ्य की तुमको प्राप्ति होती चली जाएगी। इसलिए कभी साइकिल चलाना पड़े तो भी चलाइए, कभी बैठने में दर्द हो रही हो तो भी हिम्मत करके बैठिए, धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाएगा। तुम्हारे घुटनों में दर्द हो तो घुटना तेल लगा करके, सरसों का तेल और नमक मिलाकर, थोड़ी मेथी, थोड़ी चिरौंजी, थोड़ा लहसुन और थोड़ा नमक और पीली सरसों का तेल, ये सब मिलाकर खौला कर, जला कर और निचोड़ कर, छान कर, इसको मालिश करके फिर साइकिल चलाया करो। घुटनों को ऐसे ऐसे चलाया करो, घुटनों पर 100-100 मुक्का धीरे धीरे मारा करो, वो दर्द खत्म हो जाएगा। अब घुटनों को ऐसे ही लेकर बैठ जाओगे, दर्द है छोड़ना मत, हिलाना मत, तो दर्द ऐसा जाम लगाएगा जिंदगी में ठीक ही नहीं होगा। फिर एक्शन कीजिए,
मैंने देखा अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा था, उसमें एक आदमी दौड़ रहा था, फोटो दौड़ रहा था। आदमी होर्डिंग पे कैसे दौड़ेगा, फोटो में दौड़ रहा था और लिखा था रिचार्ज बॉडी हो रही है। दौड़ने से बॉडी रिचार्ज होती है, बैठने से डिस्चार्ज होती है, इसलिए थोड़ा दौड़ा भी करो, थोड़ा बैठ भी जाया करो, थोड़ा लेट भी जाया करो और थोड़ा हंस भी दिया करो, कभी थोड़ा गंभीर भी रह लिया करो और थोड़ा थोड़ा अकेले बैठ कर भी मुस्करा दिया करो, और कोई कठोर बोल दे तो गम भी खा लिया करो, और कोई आपसे नाराज हो जाए तो उसको मना लिया करो। ये जिंदगी की कलाएं हैं, इनको संभाल कर रखा करो, क्योंकि तुम्हारे साथ में रहने वाले लोग आपसे नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। आदमी नाराज हो जाए उसको मनाने की भी कला सीखो, क्योंकि आदमी मिलता नहीं है और सही आदमी तो बहुत कम मिलते हैं। चाहे पुत्र हो, चाहे शिष्य हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे सास ससुर बहू हो, चाहे पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो या मित्र हो, कोई भी सही सलामत लोग कम मिलते हैं। चाय पीने वाले मित्रों की तो भीड़ है, दूध पीने वाले मित्रों की तो लाइन लगी है, लेकिन खून देने वाले मित्रों की संख्या कितनी है। अभी तुम कहो कि जितने मित्र हैं सब एक एक बोतल खून दे दें, गुरुवार को हमारे घर पर आए तो शायद दो चार मित्र ही दिखाई देंगे, जितने वो ठेलुहा से सब निकल जाएंगे, एक भी खून देने नहीं आएंगे। लैला मजनू का किस्सा है, लैला मजनू का नाम लेते ही लोगों को थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि लैला और मजनू दोनों का जो प्रेम था उसको गलत मानते हैं लोग। वासनात्मक प्रेम था, कैसा था मुझे पता नहीं, जैसा था तैसा था, लेकिन था। पर हमको उनके प्रेम से भी ज़्यादा मतलब नहीं है, जैसा भी किया हो उन्होंने। पर एक उनकी छोटी सी कहानी है जिंदगी से जुड़ी हुई, कि ये जो मजनू था ये लैला का दीवाना था और लैला के पीछे पीछे घूमता था। कुछ लोग ना किसी के दीवाने हो जाते हैं, ये पागलपन आ जाता है। अगर दीवाना होना है तो इष्ट देव के दीवाने बन जाना, कोई सदगुरु के दीवाने हो जाना। जैसे मीरा भी दीवानी हुई थी तो कृष्ण भगवान की दीवानी हुई थी, कोई लोफड़ आदमी की दीवानी नहीं हुई थी। तो ये मजनू की हरकतों को देख करके लैला के पिता ने अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दिया, नज़र बंद कर दिया, क्योंकि बाप को अपनी बेटी की बड़ी चिंता होती है, क्योंकि बेटी के हाथ में बाप की इज्जत भी होती है, क्योंकि बेटी के हाथ में माँ की इज्जत, परिवार की इज्जत और कुल कुटुंब का सम्मान होता है। एक बेटी की छोटी सी गलती सात पीढ़ियों के सम्मान को डुबा सकती है, और बेटी की छोटी सी सावधानी आने वाली पीढ़ियों को भी गौरव प्रदान कर सकती है, इसलिए बेटी को बहुत सावधान रहना चाहिए। आज की तारीख में माँ बाप बहुत परेशान है। मेरे पास उत्तर प्रदेश से एक फोन आया, उन्होंने कहा गुरुदेव बेटी कहीं गायब हो गई। तो मैंने कहा कहाँ गई, बोले पढ़ने जाती थी आई नहीं लौट कर। तो मैंने कहा पहला फोन मुझको किया किसी और को भी किया, बोले आपको किया पहला। तो मैंने कहा बस किसी को फोन मत करना, बोले तो ढूंढूं कैसे। हमने कहा ढूंढने मत जाना, क्योंकि ग्रेजुएट कर रही थी, समझदार है वो, तुमको ढूंढ लेगी, तुम उसको क्यों ढूंढोगे। उसको आना होगा तो ढूंढ के आ जाएगी, नहीं आना होगा ढूंढोगे तो छिप जाएगी, इसलिए ढूंढना भी मूर्खता है, मत ढूंढो। और आना ही होता तो जाती क्यों, गई है तो आएगी क्यों, आएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो छुट्टी मिल गई, तुम्हारे 2 लाख और बच गए, शादी नहीं करना पड़े। तो बोले इज्जत, तो हमने कहा इज्जत हम बचाएंगे आपकी। बोले तुम तो वहाँ बैठे हो मध्य प्रदेश में, तो हमने कहा यहीं से इंजेक्शन मारूंगा। तो उन्होंने बताया कि दूसरे दिन फिर फोन आया, बोले किसी लड़के के साथ चली गई। हमने कहा किसी से बोलो मत, रिश्तेदार को बताओ मत, गांव में कहो मत, और अपनी पत्नी को समझा दो कि वो रोए मत, सुन्न फुन्न मत करे, टीटा ऊहू आहो कचमर चुप। तो बोले वो चुप।